जय हिंद मित्रों आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट छः लेकर उपस्थित हैं तो आइए देखते हैं मित्रों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक और शेयर कर लीजिए जिससे मेरी हर नए वीडियो की सूचना आपको मिल जाए तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन विंडोज में शार्ट कट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है इसमें ए सही है चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए नेक्स्ट है क्लिक जैकिंग क्या है तो दूसरा देखते हैं क्लिक जैकिंग क्या है दूसरे में यह सही है बे प्रयोगताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है नेक्स्ट देखते हैं भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था तो तीसरा देखते हैं कौन सा सही है इसमें डी सही है दो हजार एक में प्रदान किया गया था नेक्स्ट है सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है तो चौथा देखते हैं कौन सा सही है इसमें ए सही है सी बी द्वारा जारी किया गया है नेक्स्ट सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो पांचवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें ये सही है उष्लगबंधी वर्षा वनों में पाई जाती है नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है अम्ल वर्षा होती है छठा क्वेश्चन देखते हैं सी सही है। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रक्रिया के फलस्वरूप नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है कौन सा होता है देखते हैं तो सातवा का कौन सा है इसमें ए सही है। चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक प्रदूषण होता है अगला देखते हैं सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है यह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान मुख्य संरक्षित पशु बन काजीरंगा बाघ गिर हाथी सुंदरबन शेर परियार गैंडा तो इसमें देखते हैं आठवें में कौन सा सही है आठवें में सी सही है सी सही है इसमें आठवें में सी सही है तो एक फोर काजीरंगा गैड़ा बी गिर जो है शेर सी सुंदरबन बाघ पेरियार हाथी नेक्स्ट देखते हैं नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये राज्य हैं कौन कौन से है बुक्सा दम्फा दफा ये राज्य हैं बिहार मिजोरम असम अरुणाचल प्रदेश इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है नौवां देखते हैं कौन सा सही है नवा का ए सही है बुक्सा बुक्सा बिहार में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है नेक्स्ट देखते हैं मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है तो दसवां देखते हैं कौन सा सही है इसमें बी सही है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था तो ग्यार देखते हैं कौन सा सही है ग्यारह में सही है। मदन मोहन मांडवी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था बाकी नेहरू मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे नेक्स्ट देखते हैं चौदह जुलाई उन्नीस को कांग्रेस कार्यकारिणी कार कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया तो बारवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें भी सही है ये वर्धा में पारित किया गया था नेक्स्ट देखते हैं वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है तो तेरहवा क्वेश्चन है इसमें भी सही है शुक्र को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट देखते हैं नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो चौदहवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें डी सही है मध्य प्रदेश में लम्बाड़ा जनजात नहीं है बाकी असम में मीरी नागालैंड में कुनेक और अरुणाचल प्रदेश में अपतानी ये है नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल हैं, हैं। नंबर एक मानव के दुर्व्यापार और ब्लाश्रम का प्रतिषेध नंबर दो मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध उपरुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, है? तो पंद्रहों देखते हैं कौन सा सही है इसमें बी सही है केवल दो सही है इसमें मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध नेक्स्ट देखते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है चौदह देखते कौन सा सही है इसमें बी सही है जनहित याचिका से संबंधित हो नेक्स्ट है ये कथन है और कारण है कथन ए है अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है कारण आ रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विदाई संस्था है अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है सत्रहवा का सत्रहवा का ए सही है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है नेक्स्ट देखते हैं अठारवा क्वेश्चन डाक से प्रेषित प्रेषित प्रश्नावली अवलोकन साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है तो अठारवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें सी ही सही है प्राथमिक स्रोत उसे कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची तो उन्नीसवा देखते हैं कौन सा सही है उन्नीसवे में ए सही है और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है तो बीसवा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है इसमें डी सही है प्रायोगिक शोध नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम यूनिट इक्कीसवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें बी सही है कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं अगला देखते हैं कौन सी की कर्सर के बाई ओर के अक्षर को डिलीट करती है तो बाईसवान देखते हैं कौन सा सही है इसमें बीस सही है बैक स्पेस जो है कर्सर की बाएँ ओर के अक्षर को डिलीट करती है नेक्स्ट देखते हैं फ़ॉन्ट किसे कहते हैं तो तीसवां में देखते हैं तो फ़ॉन्ट किसे कहते हैं इसमें सी सही तो है कंप्यूटर के अंक अक्षरों का आकार जो तो छोटा बड़ा किया जाता है किस टाइप में आपको लिखना है उसे फॉन्ट कहते हैं नेक्स्ट है 24 मई 2022 को क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ तो चौबीसवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें ये सही है टोक्यो में हुआ है जो कि जापान की राजधानी है नेक्स्ट तेईस चौबीस जून 2022 को किस देश की मेजबानी में चौदावां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ तो इसमें पच्चीसवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें डी सही है चीन की अगवानी में हुआ मेजबानी में हुआ है नेक्स्ट देखते हैं 26 मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है तो छब्बीसवा देखते हैं इसमें इसमें डी सही है एक स्थान है भारत का नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो सत्ताईसवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें बी सही है विदेशी व्यापार का नियमन नेक्स्ट देखते हैं भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी तो अट्ठाईस देखते हैं 28 डी सही है इसमें हाशिम समित नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था तो तीसवा देखते हैं कौन सा सही है इसमें डी सही है उठारी आयोग इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मित्रों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, है एक अध्ययन एक अध्ययन किया गया है? जो कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है तो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन इसमें इसमें भी सही है व्याख्यात्मक स्रोत धन्यवाद मित्रों